तो पलट गई। आज से ये तुम्हारा घर है, बरसात में तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ओके? अरे बच्चे लोग, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आवारा जानवरों को हमारी कॉलोनी में लाना मना है। सुखी अंकल, पीकू का इस दुनिया में कोई नहीं है, इस कोने में उसका घर बना दीजिए ना प्लीज। बोला ना नहीं, आज पिल्ला लाया है, कल घोला लाएगा, फिर हाथी और फिर डायनासोर भी ले आएगा, उसे क्या मैं अपने सिल पे रखूंगा? देखा देखा, ये आवाला पिल्ला ऐसा ही भौंकता है, इसको तो उठा के फेंक देना चाहिए। नहीं रुकिए सुखी अंकल, रुकिए प्लीज। रमेश रमेश, आज के बाद इस कॉलोनी के गेट से कोई भी आवारा जानवर अंदर नहीं आना चाहिए, समझ गए? ओके साहब जी, जैसा बोलेगा साहब जी। हाँ हमारे बिना तो क्रिकेट फील्ड में परिंदा भी पर नहीं मारता, तुमने खेलने के बारे में कैसे सोच लिया? और टॉस भी कर लिया है? बॉस, ये थकेला का आइडिया था। पर टॉस तो पकेला ने किया। ओए, मैंने कहा था बॉस के लिए रुकते हैं। नहीं बॉस, इसने कहा था आप क्या खेलेंगे, आप तो बूढ़े हो गए, बूढ़े। अच्छा, फिर इसने कहा था सिर्फ बूढ़े नहीं, महाबूढ़े, महाबूढ़े। और इसने कहा था अब क्रिकेट है ना, फुटबॉल की तरह खेलते हैं, फुटबॉल की तरह। बॉस ये झूठ बोल रहा है, बहुत बड़ा झूठा है ये। नहीं, इसने आपको मैंने कहा था शुरू किया था, इसने आपको महाबूढ़े कहा, ये गलत बोल रहा है। खामोश। किसने क्या कहा मुझे नहीं सुनना। पकेला, जाके फील्डिंग करो, और पकेला पकाना बंद करो और बॉलिंग करो। यस बॉस। जानबूझ के इजी बॉल देता हूँ ताकि उस मोटू थकेला को दौड़ना पड़े। बच्चों वाली बॉल नहीं, फास्ट डालो 200 की स्पीड से। एक शॉट में 6 और 6 12 रन। आवारा जानवरों को हमारी कॉलोनी में लाना मना है, इसको तो उठा के फेंक देना चाहिए। आज के बाद इस कॉलोनी के गेट से कोई भी आवारा जानवर अंदर नहीं आना चाहिए। ओहो हो, कितना निर्दयी इंसान है। ओहो, और सामने एक नन्ही सी जान है। बेजुबान जानवर को अपनी कॉलोनी से निकाल रहा है और प्यारे बच्चों का दिल तोड़ रहा है। ऐसे जालिम को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ बॉस, तभी इसका दिमाग खुलेगा। तो सोच क्या रहे हैं हम? डम डम डम, चलो करे पाप खत्म। है?
है, ये रास्ते में पेन कैसे आ गया? अरे ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ फंस गया? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे मुझे सपना कैसे आ सकता है? वॉकिंग के रास्ते में ये पेल कैसे आ गए? सपना नहीं, ये सच है। और ये पेड़ तो मदर नेचर की देन है, कहीं भी उग जाते हैं। कौन हो तुम लोग? अपन का नाम थकेला है रे। और अपन का नाम पकेला क्या? और अपन दोनों भूत लोग से आए रे। क्या कहा? भूत, भागो भाग। लगता है मैं सच में सपना देख रहा था। तुम लोग अब कहाँ से आए? जमीन के अंदर? सुनो सुखीराम जी, अब आपको जमीन पे दौड़ने का नहीं, समझा क्या? जी हाँ, जमीन पर कोई भी एरा गेरा नहीं दौड़ सकता। तुम्हें जमीन पे दौड़ना बंद करना होगा। अरे ऐसा कैसे? मैं इस कॉलोनी का सेक्रेटरी हूँ और ये सोसाइटी का गार्डन है। पर उससे पहले ये मदर नेचर की जमीन है, और मदर नेचर तुम जैसे पापी को अपने जमीन पर नहीं दौड़ने देगी। अरे पापी किसे बोल रहे हो? और मैं यहाँ नहीं दौड़ूंगा तो कहाँ जाऊंगा? हवा में। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। ये सांड मेरे पीछे क्यों पल गया? मैंने इसका क्या बिगाला है? तैयार? हाँ बिल्कुल, जो हमारी मर्जी के बिना हमारे इलाके में आता है उसे हम शॉट मार के ही इलाके से बाहर भेजते हैं। एक और है। अले, अले, नहीं। कौन हो भाई? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? किस गली के भूत हो तुम लोग? गली के नहीं, भूत लोग के भूत हैं। हमारा नाम है बॉस, भूत बॉस। और इन दोनों का नाम तो तुम जानते ही हो। किसी भी लोग के हो पर मुझसे क्या चाहते हो? मुझे यहाँ से नीचे उतारो, उतारो ना। खुद यहाँ लटके तो बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, ऊंचाई से डर लग रहा है। हाँ, लेकिन बेजुबान जानवर को बिना सोचे समझे यहाँ फेंक दिया। मैंने किसे फेंका? अच्छा, कल सुबह एक छोटे से डॉगी पिकू को अपनी कॉलोनी से किसने निकाला था सेक्रेटरी साहब? अपनी चेयरमैन की धौंस एक अनाथ डॉगी पर जमाते हो। बरसात में जानवरों की मदद करने के बजाय उन्हें भगाते हो। और जो बच्चे मदद कर रहे थे उन्हें भी धमकाते हो है? सोचो, अगर ऐसी बारिश में हम 3 दिन के लिए तुम्हें भी छोड़ दे तो? अरे बारिश ये तुम लोग कर रहे हो तो बंद कर दो ना, मुझे सर्दी लग जाएगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ओहो, 2 मिनट में ही रोने लगे? सोचो जानवरों का क्या हाल होता होगा जब तुम जैसे लोग उन्हें मार के भगाते हो। अब तुम भी कुछ दिन ऐसे ही बारिश के मजे लो। नहीं नहीं नहीं, ये बारिश बंद कर लो ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं मानता हूँ, अब ये बारिश बंद कर दो ना प्लीज। पिकू जैसे न जाने कितने बेजुबान जानवर मुसीबत से जूझते हैं,
लेकिन तुम जैसे पापी लोग उनकी मदद करना तो दूर, उन्हें और तकलीफ देते हैं। तुम दोबारा ऐसी हरकत ना करो, इसीलिए हमें तुम्हें सबक सिखाने के लिए भूत लोक से आना पड़ा। बस बस बस, अमौल सबक मत सिखाइए, मैं सीख गया हूँ भूत बॉस जी। आज के बाद कभी किसी जानवर के साथ बुला बलताव नहीं करूँगा, सच्ची प्रॉमिस। शाबाश। और पीकू का क्या? पीकू को तो मैं आज से सोसाइटी डॉग बना दूंगा। अले ये सोसाइटी तो उसी की है, अले उसके लिए तो हम एक घर भी बनवा देंगे। ये हुई ना बात। पकेला, आज का दिन बहुत ही बोरिंग है ना? हाँ, तुम्हारी शक्ल से भी ज्यादा बोरिंग। खुद की शक्ल देखिए, सूखी हुई ककड़ी है ककड़ी, और तुम्हारी फुलावा छोला छोला। हेलो जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? मैं अभी आता हूँ। मैं भी आता हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था। हमें पता है मैडम जी, आपको भूत लोग घूमना है जी। मैं घुमाऊंगा, मैं हूँ यहाँ का नंबर वन गाइड, थकेला राजू गाइड। इसकी मत सुनिए मैडम जी, भूत लोग घुमाने के लिए सबसे अच्छा गाइड मैं हूँ, पकेला काजू गाइड। मैं आपको खाने के लिए काजू भी दूंगा मैडम। मैडम जी, मैं कह रहा हूँ ये आपको गटर में गिरा देगा। मेरे साथ चलिए मैडम जी। अरे आपको कुएं में धकेल देगा। मैडम जी मेरे साथ चलिए। मुझे किसी के साथ नहीं जाना। आपकी आवाज तो बॉस से मिलती है। अच्छा वह शक्ल नहीं मिलती। काम चोरों, मैं तुम्हारा बॉस ही हूँ। मैं तो ये देखने आया था कि बीमारी का एक्सक्यूज देकर आराम करने वाले ये थकेला और पकेला सच में बीमार हैं या नहीं। बहुत बीमार हूँ बॉस। हाँ बॉस, अभी भी देखो मेरा हाथ कितना गर्म है। देखो टेम्परेचर, देखो बॉस कितना गर्म हो गया। बॉस अंडे फोड़ो, हम पर ऑमलेट बन जाएगी। जलेबी रखो, जलेबी तल जाएगी। हाँ बॉस, जो कर रहे करके देखो, बहुत बीमार है हम लोग। खामोश, हमने सब देखा है। तुम दोनों की सजा है पूरे भूत लोक की सफाई करो, कचरे का एक भी तिनका नहीं दिखना चाहिए। अब तो हद हो गई है सर, ऐसे तो बच्चों की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। देखो मास्टर जी, मेरा तो धंधा है जो आजकल थोड़ा मंदा है, उसमें मैं अपनी ये फैक्ट्री बंद कर दूंगा तो क्या खाऊंगा क्या निचोड़ूंगा। पर मासूम बच्चों का क्या, स्कूल के पास की जमीन पर वैसे भी फैक्ट्री नहीं बनवा सकते। मास्टर मैंने बताया ना कि मेरा धंधा आजकल थोड़ा मंदा है, पर इतना भी नहीं है कि मैं घूस देकर अपनी फैक्ट्री सेटअप ना कर सकूं। अब जाओ यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो। पर चांदीमल सेठ,
जाते हो या इन मुस्टंडों को लगाऊं काम पे? यकीन नहीं होता कि पृथ्वी में इतने पापी रहते हैं। बॉस, मैंने तो सुना है वहाँ पापी ही रहते हैं। बस किसी का पाप कम है और किसी का ज्यादा, पर इस चंदीमल सेठ का तो ज्यादा से भी ज्यादा है। इसका धंधा मंदा है तब ये हाल है, धंधा चलता तो क्या करता। बॉस, इसके पाप पर ब्रेक लगाना ही होगा, और ब्रेक लगाने के लिए हमें वहाँ जाना होगा। डम 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 चलो करे पाप खत्म। मैंने देखा तुमने सिर्फ आधी सफाई की है। वो भी मैंने की है बॉस, मैंने की है। हाँ, मैं तो घास छिल रहा था ना। देखा बॉस, मैं सफाई कर रहा था और ये घास छिल के कचरा फैला रहा था। वापस आकर सारी सफाई सिर्फ पकेला करेगा। बॉस, मैं तो डायलॉग मार रहा था। बॉस ने एक बार हुक्म दे दिया तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। आई। अच्छा, ऐसा है क्या? अरे, ये मूर्तियां यहाँ कौन लाया? कोई लाया नहीं, हम खुद आए हैं और तुम्हें साथ ले जाने आए हैं। कौन हो तुम लोग? चोर हो गया? मेरे यहाँ चोरी करने आए हो? देखो देखो, मेरा तो धंधा है पर आजकल थोड़ा मंदा है। हाँ, कह देता हूँ। हमें सब पता है तुम्हारा क्या धंधा है और वो धंधा कितना गंदा है। और हम चोर नहीं, भूत है। भूत, भूत, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है, निकालो मुझे। मैं फैक्ट्री में कैसे पहुंच गया? हमारे इस पंच से। तुम कौन हो? बॉस, भूत बॉस। और मैं थकेला। मैं पकेला। ये भूत मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तुम लोग कहां पर कब आए? हम तो यही थे चंदीमल। ये क्या कर रहे हो? तोड़ फोड़ क्यों मचा रहे हो? अभी फैक्ट्री ही तोड़ी है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं। अरे, ये भूत मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मेरा तो धंधा है, वो भी आजकल मंदा है। ये लो सेठ, पानी पियो, फ्रेश हो जाओ। ये नारियल पानी है या कीचड़ का पानी? कीचड़ का। जाने से पहले कुछ खा के जाइए सर, आई नो आप थक गए हैं, कुछ मीठा हो जाए। ये तो रेत है। हाँ, खास आपके लिए बनाई थी। नहीं, भूत नहीं होते। भूत कहाँ होते हैं? भूत नहीं होते। हाँ, किसने कहा भूत नहीं होते?
अरे ये क्या कर रहे हो? बंद करो, धुएं से मेरा दम घुट रहा है, बंद करो इसे। अच्छा, इस धुएं से दम घुटने लगा? और जो धुआं तुम्हारी ये चिमनियां छोड़ती हैं, उनके बारे में कभी नहीं सोचा? गैर कानूनी तरीके से स्कूल के बगल में अपनी फैक्ट्री लगाते हो? बच्चों की जान की परवाह किए बिना अपनी फैक्ट्री से धुआं छोड़ रहे हो? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पापी हो तुम चंदीमल। अरे नहीं नहीं, मेरा तो धंधा है, आजकल वो भी मंदा है। बस करो, बस करो, ये धुआं और नहीं सहा जाता, बंद करो इसे। तुम्हारे इस मंदे धंधे को बंद करने ही हम भूत लोक से आए हैं। कुछ समझे या भी और समझाएं? नहीं नहीं, समझ गया, सब समझ गया। तो स्कूल की बगल वाली फैक्ट्री का क्या करोगे? मेरा धंधा आजकल मंदा है, पर उसे वहाँ से शिफ्ट करके कहीं दूर ले जाऊंगा, ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। और अपनी फैक्ट्री के आसपास के इलाके में कम से कम 1000 पेड़ भी लगवाओ। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो हम दोबारा आएंगे और तुम्हारी इससे भी बड़ी वाली क्लास लगाएंगे। नहीं नहीं, मैं समझ गया, सब समझ गया। आप देखना, कल से ये फैक्ट्री बंद, बच्चों का फ्यूचर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा तो धंधा है जो आजकल मंदा है, पर चलेगा चलेगा। वेरी गुड, शाबाश चंदीमल, अब हम चलते हैं। अकेला, याद है ना, भूत लोग जाके बची हुई सफाई तुम्हें ही करनी है। नहीं तो मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। क्या कहा? याद है, याद है, याद है बॉस, याद है। जय हो मालिक की। क्या हाल है मूलचंद, इस बार कितने आम लगे हैं हमारे बाग में? अरे क्या बताएं सरकार, मामला फेल है, कुछ भी नहीं लगा है। आप जो दवाई बोले थे हम वही छिड़के, पर सारा पेड़ का आम खराब हो गया। पापा, एक भी ट्री में मैंगो नहीं लगे हैं। इस बार भी हमें अपने पेड़ के आम नहीं खाने मिलेंगे। मूलचंद, पिछले 2 सालों से ही हमारे आम खराब हो रहे हैं, उससे पहले तो कभी आम खराब नहीं हुए। मालिक, आप की कहना चाहते हैं कि जब से हम आपके बगीचे के माली बने हैं तब से मामला फेल है? इस सुनने से पहले हमारा कान क्यों नहीं फट गया? अपनी बीवी से पूछी, दिन रात आम के पेड़ों की देखभाल करता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बच्चों इस बार भी फार्म में आम नहीं है, चलो किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ छुट्टियाँ मनाएंगे। ओके पापा। अब आएगा मजा, इस साल भी सारे आम बेचकर प्रॉफिट हम ही कमाऊंगा। मालिक के लिए मामला फेल है, पर हमरे लिए मामला सुपर हिट है। हेलो, मामला सेट है, 20 पेटी आम का भिजवा रहे हैं, पैसे कैश में दीजिएगा। हाँ, चॉकलेट्स, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट। रास्ते से हटो थकेला। भूत बॉस का सामान मैं खरीद रहा हूँ और ये कार्ट में मजे ले रहा है, मैं भी मजे करूंगा। इसके व्हील्स
जाम है क्या? सॉरी थकेला। मजा चखाना पड़ेगा। शैतान काट, अब आया मजा। बोलो बोलो। थकेला पकेला, जो लिस्ट दी थी वो सामान खरीद लिया? हाँ बॉस, वो बस थोड़ा सा और कुछ नहीं बाकी है बॉस, ले लिया सब ले लिया। अच्छा बॉस, ये तरबूज सही है ना, या फिर और बड़ा लूँ? आप बोलो तो चेंज कर लेता हूँ। बेवकूफों, लिस्ट में तरबूज था ही नहीं। बॉस, आपने मेरे सर पे तरबूज फोड़कर पाप किया है। देखिए, पापोमीटर बजने लगा, पापोमीटर बजने लगा। मूर्ख, वो धरती के पाप की वजह से बज रहा है। अब चलो देखते हैं किस पापी की श्यामत आई है। ये सामान बाद में खरीदना, चलो। हाँ बॉस चलिए, ये थकेला किसी काम का नहीं है। पापा, एक भी ट्री में मैंगो नहीं लगे हैं। अरे कहाँ बताएं सरकार, मामला फेल है, कुछ भी नहीं लगा है। आप जो दवाई बोले थे हम वही छिड़के, पर सारा पेड़ का आम खराब हो गया। बच्चों, इस बार भी फार्म में आम नहीं है। इस साल भी सारे आम बेचकर प्रॉफिट हम ही कमाऊंगा। मालिक के लिए मामला फेल है, पर हमारे लिए मामला सुपर हिट है। 20 पेटी आम का भिजवा रहे हैं, पैसे कैश में दीजिएगा। कुछ समझे थकेला पकेला? मूलचंद की खुफिया बनती तो पाप से भरी है, और इसमें इसकी घूंघट वाली बीवी भी सपोर्ट दे रही है। बेचारे आम के ओनर के बच्चे बिना आम खाए ही वहाँ से चले गए। जिसके हक के आम थे उनके बदले आम किसी और के पास चले गए। मूलचंद जैसे झोलमाल करने वाले मालिक को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके दिमाग से ऐसे धोखाधड़ी वाले पाप का आइडिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए, धरती हमें पुकार रही है। डम डम डम, चलो करे पाप खत्म। ये देखिए भाई साहब, ऐसा आम आपने कहीं नहीं खाया होगा। हाँ, शक्कर से भी मीठा आम है हमारे बाग का। इस पेटी को देखिए। मामला सुपर हिट हुआ है। भागो भूत। ये का मामला है, आम की पेटी में भूत? अरे नहीं, ये तो आम ही है। दूसरी पेटी का मामला चेक करते हैं। हमें डिस्टर्ब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो हमें डिस्टर्ब करता है पहले हम उसे ही खाते हैं। तुम लोग आम का कीड़ा है, पर इतना बड़ा कैसे भाई? मामला का है। मामला बहुत संगीन है, बजानी हमें तुम्हारी बीन है। आ, 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 आ,
अजी सुनती हो, यहाँ जल्दी आओ, मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पकड़ लो इसे। ये क्या मामला है भाई, हम कहाँ आ गए? ऐसी जगह जहाँ पापियों को सजा मिलती है। पापी? कौन है पापी? वही जिसकी डर के मारे कभी कभी धोती खुलती है। अरे हमारे पीछे काहे पड़े हैं? आखिर मामला का है भाई? मामला हेरा फेरी का है मूलचंद, आमों की चोरी का है, अपने मालिक से धोखाधड़ी का है। तो तुम अपने मालिक से झूठ बोलकर आमों को यहाँ छुपाते हो हाँ? और छुपके छुपके आमों की डील करते हो हाँ? ये टेस्टी आम उन बच्चों को खाने के लिए नहीं देते हो? अब समझे कितने बड़े पापी हो तुम, और तुम भी। मान गए पर आप लोग कौन है? बॉस, भूत बॉस। मैं भूत असिस्टेंट थकेला। और मैं पकेला। भूत? हम भूत लोक से तुम्हें सुधारने के लिए आए हैं। तो अब बोलो, आज के बाद हेरा फेरी करोगे? नहीं, भूत भाई साहब बिल्कुल नहीं। भाई साहब नहीं, भूत बॉस। अच्छा, अपने मालिक और उनके बच्चों को भाग के सारे आम पहुँचा कर आओगे? बिल्कुल आएंगे, आज ही जाएंगे और दे कर आएंगे। और फिर कभी चालबाजी की कोशिश की तो इन्हें हमेशा के लिए भूत लोक में कैक्टस के बाग का माली बना देंगे। अरे नहीं, ये मामला यही खत्म करते हैं, हम सुधर गया हूँ। सच कहता हूँ, इस सारा आम मालिक के बच्चों के लिए पहुँचा देंगे और आज के बाद कभी कोई पाप नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए भूत बॉस जी, मामला को आगे मत बढ़ाइए। शाबाश, तो चलो अब हम चलते हैं। मूलचंद, हमारी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। सोच क्या रहे हो, सारे आम अभी मालिक को पहुंचा के आओ। Ha 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 ha